इज अ जेम ऑफ अ क्रिकेटर. आई थिंक एक तो एक्सपीरियंस है, एक काम है, कूल है, एक क्रिकेटिंग सेंस है, एंड फिजिकली वेरी फिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक आई सेड बिफोर के पैशन है खेलने का. वो जब इंडिया से अभी भी वो इंडिया से खेल सकता था यार, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, दैट्स वेयर धोनी इज धोनी. आई मस्ट गो, सैल्यूट है भाई. इस उम्र में भी उसमें जो दिमाग चलता है ना, देख के खुशी हुई. ये क्रिकेट है, इसको बोलते हैं क्रिकेट. जो आज छक्के कराएं, तीन बॉल में तीन छक्के, चौथी में डबल, और वो जो 24 रन बने लास्ट ओवर में, वही मेरे ख्याल से सब बोलेंगे क्रॉस कर गया. लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं विकेट पर और बैक टू बैक छक्के मारते हैं, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी लोगों के दिल तोड़ लें. 20 रन बनाए चार बॉलों पे महेंद्र सिंह धोनी ने, किंग महेंद्र सिंह धोनी ने, लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी ने. रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी सेंचुरी की, दूसरी आईपीएल की सेंचुरी, इस आईपीएल 2024 में उनकी पहली सेंचुरी, और खूब बल्लेबाजी की, 61 बॉल्स पे उन्होंने की और शानदार बैटिंग की उन्होंने, मगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी विनिंग सेंचुरी की तरफ कन्वर्ट ना हुई. और क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी आपने देखा है कि एक बंदे ने 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो? जी हाँ, आज हो गया. एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से चार बॉलों के ऊपर 20 रन स्कोर किया एंड के ऊपर आके, और 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी. क्रेडिट देना चाहिए मिस्टर सिक्सर को, रोहित शर्मा को, 11 चौके 5 छक्के, T20 के 500 छक्के भी आज पूरे करे, टॉप क्लास खेला जी, उसने मैच को वन साइड कर दिया था. मार्क बाउचर कह रहे थे मैंने रोहित शर्मा को कप्तानी से इसलिए हटाया है कि वो हमारे लिए अच्छी बैटिंग करे. अबे रोहित शर्मा क्या 207 रन अकेले कर ले? रोहित के तो जो रन थे वो तो कर गया था, 100 तो वो टीम की मरी हुई हालत पे मार के. धोनी जब भी छोड़ेंगे क्रिकेट, आई एम श्योर सीएसके में रहेंगे एज अ मेंटोर, यू नो, एज अ प्रेसिडेंट और व्हाटएवर द वर्ड इज, बिकॉज़ धोनी और सीएसके मेरा नहीं ख्याल अलग होंगे. आज क्रिकेट की जीत हुई, आज मुंबई नहीं आ रहा, आज सीएसके नहीं जीता, आज क्रिकेट की जीत हुई. जो क्रिकेट हुई है ना, अल्फाज नहीं है. और आज ऐसा लग रहा था कि चेन्नई में मैच हो रहा है, मुंबई में नहीं हो रहा. आपने देखा किस तरह शोर मच रहा था माइक के लिए? वर्डिंग तो बहुत है, बहुत ज्यादा है. मैंने आपको टूर्नामेंट से पहले कहा था, तस्वीर दिखाई है माई ने कप्तान ऋतुराज की, आज देख लिया सारी कप्तानी माई ने करी. एक एक चीज, डूबे को भेजना, जिस तरह फ्लेमिंगो ऊपर भागा मशवरा करने के लिए, डूबे को भेजा. ग्राउंड में किस तरह चेंज कर रहा था, फील्डिंग पोजिशन किस तरह चेंज कर रहा था, बॉलर वाइट बॉल भी कर रहा था, पीछे से तालियां बजा रहा था. इसलिए बोलता हूँ लीडर इसको बोलते हैं. कोई है इस टाइम पे दुनिया में 42 साल का जो क्रिकेट छोड़ चुका हो फिर भी इतना मशहूर हो? मतलब जितने सुपरस्टार हैं उनसे ज्यादा मशहूर है. कुछ ना कुछ तो है ना, ऊपर वाले ने दिया है कुछ दिमाग तो दिया ही है ना. जो आज छक्के कराए, तीन बॉल में तीन छक्के, चौथी में डबल, और वो जो 24 रन बने लास्ट ओवर में, वही मेरे ख्याल से सब बोलेंगे क्रॉस कर गया. लेकिन अगर ये मैच जीता है ना, तो मेरी किताब में माई ने जीता है, सिंगल एंडेड. ये नहीं किसी ने 66 करे, किसी ने 69 करे, किसी ने चार बॉलों में 20 रन करे, नहीं. इस तरह जाते हैं, इस तरह कैप्टन होता है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड कैप्टन होता है, बॉन्ड लीडर. ये होता है बॉन्ड लीडर. ये छक्का भी लगा कोई बात नहीं, 7 ओवर में 70 रन थे जब पहला आउट हुआ ईशान किशन, उसके चेहरे पे परेशानी नहीं थी, उसको पता था मैं रोक लूंगा, उसको पता था मेरे पास पत्ती लाना, किस तरह मैंने काम लेना. तो माई ने बताया मैं हूं ना, डोंट वरी. क्रेडिट देना चाहिए मिस्टर सिक्सर को, रोहित शर्मा को, दूसरा आईपीएल में सेंचुरी, टू गुड खेला, 63 बॉल में मेरा ख्याल 105 रन बनाए, 11 चौके 5 छक्के, T20 के 500 छक्के भी आज पूरे करे, टॉप क्लास खेला जी. उसने मैच को वन साइड कर दिया था. आज क्रिकेट की जीत हुई, आज मुंबई नहीं आ रहा, आज सीएसके नहीं जीता, आज क्रिकेट की जीत हुई. एमएस को सलूट है भाई. इस उम्र में भी उसमें जो दिमाग चलता है ना, देख के खुशी हुई. ये क्रिकेट है, इसको बोलते हैं क्रिकेट कि दिमाग भी लड़ाओ, ये थोड़ी लपेटे मारते रहो बस, इसको बोलते हैं. ये थी क्रिकेट आज. दुनिया में बड़े बड़े नाम है, हर एरा के अपने नाम होते हैं, कोई ग्रेट होता है, कोई किंग होता है, कोई लॉर्ड होता है, लेकिन यकीनन एक आदमी है जो बल्ले को हाथी जो है वो 11 महीने के बाद लगाता है और फिर दो दो तीन तीन बॉले खेलता है, और उससे पहले वाले वहां खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है छक्का मारना बहुत ही कोई टफ जॉब है, मुश्किल तरीन है. लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं विकेट पर और बैक टू बैक छक्के मारते हैं, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी लोगों के दिल तोड़ लें. 20 रन बनाए चार बॉलों पे महेंद्र सिंह धोनी ने, किंग महेंद्र सिंह धोनी ने, लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी ने. मार्क बाउचर कह रहे थे मैंने रोहित शर्मा को कप्तानी से इसलिए हटाया है कि वो हमारे लिए अच्छी बैटिंग करे. अबे रोहित शर्मा क्या 207 रन अकेले कर ले? रोहित के तो जो रन थे वो तो कर गया था, 100 तो वो टीम की मरी हुई हालत पे मार के गया है. जब किसी से लगे ही नहीं तो एक एंड तो रखेगा ही ना भाई. बल्लेबाज तो कोशिश वो कर रहा था, फाइनल आखिरी बॉल तक खड़ा रहा, अपने 100 तो उसके होने ही थे, 100 में तो कोई दूरी नहीं थी, वो तो उसने
आप देखा कि ना पांड्या चल रहा है, ना डेविड चल रहा है, ना कोई और उसके बाद आने वाला चल रहा है, तो भैया कहीं तो वो विकेट को भी रोकेगा ना कि यार मैंने एंकर तो कर लिया ठीक है, मगर अभी जीत की तरफ लेके जाऊंगा, शायद नीचे कोई आए, शायद नीचे कोई आए, नीचे कोई ना आए, ना रोमारियो से लगे, ना डेविड, ना तो वो किंग है, ना वो ग्रेट है, ना ही वो लेजेंड है जिसका नाम है MSD धोनी, यानी कि वो आइकन है, वो सिर्फ धोनी है, उसके साथ आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते कोई चीज। ये बॉलिंग जो है वो आरसीबी की बॉलिंग नहीं थी, रन दिखाने को तो रोहित की वजह से इतने, अगर रोहित शर्मा भी बीच में डिसमिस हो जाते तो 20 रन से नहीं, 35-40 रन से मैच हारना था आपने। 42 साल जो लोग कहते हैं ना उसके लिए तो नंबर है, मगर उसने इस उम्र में भी दादागिरी बरकरार रखी, 2011 की याद को उसने फिर ताजा किया। अबे ये तो शुक्र करो कि 4 बॉले मिली उसको, अगर इसकी 4 बॉले और मिल जाती ना तो वो 50 करके जाना था धोनी ने। 13 साल बाद नहीं, वो ऐसी की तैसी एरी की तरह मारा पकड़ के वो भीतर मैं खड़ा था, और ये मार्क बाउचर को तो मैं कहता हूँ अबे तुम रोप के पीछे नहीं, तुम ग्राउंड के अंदर भी तीनों बैठ जाओ ना, तुम मलिंगा और पोलार्ड फिर भी तुम उस अकेले दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जब 18वां ओवर में वो बैट करके खड़े हुए थे और सिर्फ कैमरा जा रहा था तो पूरी मुंबई गई तेल लेने, सब चोर ग्राउंड में कह रहे थे अंदर आओ चाचा। कभी ऐसा हुआ है कि मैच में किसी बल्लेबाज के 20 रन जीत की वजह बने हो? दरअसल धोनी आखिरी ओवर के अंदर बैटिंग करने आए और 4 बॉलें पड़ी थी, पहली बॉल उन्होंने फेस की छक्का, दूसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का, तीसरी बॉल उन्होंने फेस की छक्का और आखिरी बॉल पर 2 रन बने, कुल मिलाकर 4 बॉलों पर 20 रन बने और यही 20 रन से जीत मिली CSK को अगेंस्ट मुंबई इंडियन। 200 से अबव टारगेट चेस करने गया जिसमें रोहित शर्मा ने कमाल बल्लेबाजी की, उन्होंने अपनी सेंचुरी की, दूसरी आईपीएल की सेंचुरी, इस आईपीएल 2024 में उनकी पहली सेंचुरी और खूब बल्लेबाजी की, 61 बॉल्स पे उन्होंने की और शानदार बैटिंग की उन्होंने, मगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी विनिंग सेंचुरी की तरफ कन्वर्ट ना हुई। और एक चीज मैं समझ नहीं पाया कि महेंद्र सिंह धोनी जो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल के बाद आते हैं, पहली बॉल के ऊपर इतना शानदार छक्का मारते रहे, कुल मिलाकर अब तक आईपीएल 2024 में उन्होंने सिर्फ 25 बॉल्स खेली हैं, ये उनकी कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल अपने आप को छुपा के रखे हैं या शायद दूसरों को चांस दे रहे हैं, समझ से बाहर है। आज उन्होंने अगर 3 छक्के लगातार मारे तो वो हार्दिक पांड्या को मारे, जो कि कोई भी आज के दौर का भी अच्छा हिटर शायद हार्दिक पांड्या को इस तरह से ना मार सकता, और अभी तक वो नॉट आउट है। कमाल ये है कि 6 में 4 में बल्लेबाजी भी आए और आउट किसी में नहीं हुए हैं, तो ये खास कमाल है उनका कि 2024 आईपीएल के अंदर वो नॉट आउट है तो क्यों मतलब नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर आके बल्लेबाजी करें। बट अगेन इसके अंदर हम रोहित शर्मा के 100 को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, कमाल बल्लेबाजी की, मुंबई इंडिया को शायद लगा कि रोहित शर्मा में अब वो काट नहीं रही, मगर अब खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं। और खास बात, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बल्लेबाज आज के दौर में 100 करे और वो सेलिब्रेट ना करे, मगर रोहित शर्मा ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि उनको फील हुआ कि आखिरी ओवर के अंदर अब टीम जीत से बहुत दूर हो चुकी है और जीत नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपने 100 को सेलिब्रेट नहीं किया। अदरवाइज जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि 100 को सेलिब्रेट या 50 को सेलिब्रेट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आपने जो स्पॉन्सर लिए होते हैं उनका बैट के ऊपर आप दिखा रहे होते हैं कि आपको उसका स्पॉन्सर मिला है, लाइक वो डील होती है, वो आपको दिखाना ही दिखाना होता है, बट रोहित शर्मा इस तरह मैच में इन्वॉल्व हुए कि उन्होंने अपनी सेलिब्रेट भी नहीं किया उस तरह से 100 को, तो ये खास बात थी। मगर महेंद्र सिंह धोनी की 4 बॉलें बड़ी कमाल थी और जैसे वो आए एकदम जादू हुआ, और आप कमेंट्री उस वक्त सुनने वाली थी, खासकर सब तारीफ कर रहे थे कि ये सिर्फ 4 बॉलों के अंदर ही उन्होंने आके मैच का नक्शा बदल दिया, मुझे लगता है कि वहीं से ही चेंज हुआ। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी आपने देखा है कि एक बंदे ने 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो? जी हाँ, आज हो गया। MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 4 बॉलों के ऊपर 20 रन स्कोर किया एंड के ऊपर आके, और 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और यही जो 20 रन थे 500 का स्ट्राइक रेट था, यही डिफरेंस बने आज के मैच के अंदर, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से हारे। रोहित शर्मा ने सेंचुरी तो मारा, बड़े अरसे बाद देखने को मिला कि विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारा हो, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मारा हो, MS धोनी ने बड़ा शानदार किस्म का फिनिश किया, और मैं दोबारा कहूंगा जो MS धोनी ने इनिंग्स के लिए वही इस मैच का डिफरेंस था, वो अगर 20 रन उन्होंने ना करते तो ऐसा कुछ ना होता, और अगर MS धोनी ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो फिर MS धोनी ऊपर आके क्यों नहीं बल्लेबाजी करते, ये ज्यादती होती है, ये करना चाहिए MS धोनी को, ऊपर आके बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक। दोस्तों 4 गेंद में 3 छक्के लगाकर MS धोनी ने MI वर्सेस CSK मैच का नक्शा ही तब्दील कर डाला, इसीलिए तो कहते हैं कि MS धोनी इज द बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम। आखिरी ओवर में आकर हार्दिक पांड्या को 3 लगातार छक्के जड़ते हुए MS धोनी ने 4 गेंदों में 20 रन बनाए, तो दूसरे तरफ रोहित शर्मा जिन्होंने ब्रिलियंट 100 स्कोर करते हुए 62 गेंदों में 105 रन बनाए, मगर दरमियान की ओवर्स में रोहित शर्मा को इतना स्ट्राइक नहीं मिला जिसके वजह से MI को एंड में जाकर शिकस्त हो गई। अगर बात की जाए 15th and 16th ओवर की तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने खुद खेल कर 2 over 3 रन बनाए, रोहित शर्मा मुसलसल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहे जिसके बाद MI को शिकस्त हो गई।
एक तरफ रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी तो दूसरी तरफ चार गेंदों में मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर एमएस धोनी ने पाकिस्तानी मीडिया की दिल जीत लिए, जो मुसलसल एमएस धोनी की तारीफ करती दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का एमआई वर्सेस सीएसके मुकाबले पर क्या कहना था, वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय इस हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।